और इवन फॉर्मूला केजरीवाल ने जनता के सिर बांधा सेहरा, अपने मंत्रियों के साथ कार पुल कर पहुंचे सचिवालय। बीजेपी सांसद को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, इंडिया गेट पर इवन नंबर की गाड़ी में थे सवार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह। जम्मू कश्मीर में अब नहीं फहराए जाएंगे एक साथ दो झंडे, हाईकोर्ट के फैसले पर दो जजों की बेंच ने लगाई रोक। पहले हाईकोर्ट ने राज्य का झंडा फहराने का दिया था। मुंबई में छोटा शकील का गुर्गा गिरफ्तार, दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने वाले पत्रकार पर रच रहा था हमले की साजिश। और नए साल के जश्न के लिए गुलमर्ग में लगा सैलानियों का मेला, गुलमर्ग में तापमान शून्य से -15 डिग्री के नीचे, पड़ रही है कड़ाके की ठंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराधा। रुख करेंगे खबरों की ओर और बात सबसे पहले जम्मू क्षेत्र के रामबन जिले की, जहां पर रात में आग लग गई और 10 लोगों की इसमें मौत हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रणदीप कुमार ने यह बताया कि आग चंदर कोटे में लगी है, जहां मजदूर रह रहे थे, जिनकी दम घुटने से और आग लगने की वजह से मौत हो गई। कुमार ने यह भी बताया कि हमें अभी तक 5 शव मिले हैं, मृतकों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों के मजदूर हैं, हेल्पर्स और श्रमिक भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। इस घटना की खबर मिलते ही वो घटनास्थल पर पहुंच गए, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जम्मू क्षेत्र के रामबन जिले में रात आग लगी थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि जो 10 लोगों की मौत हुई है, उनमें से कई लोगों की आग लगने के बाद धुएं से दम घुटने की वजह से मौत हुई, तो कुछ के आग में जल जाने की वजह से मौत हो गई है। अब बात दिल्ली की, जहां आज से ऑड इवन फार्मूला 15 दिन के लिए लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले दिन इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतारी गईं, पार्किंग भी इन्हीं गाड़ियों को मिलेगी। नियम तोड़ने पर दिन में एक बार 2,000 रुपए का फाइन भी लगेगा और कार जब्त नहीं की जाएगी। दिल्ली कैबिनेट के मंत्री आज किस तरीके से ऑफिस पहुंचे, ये भी आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल अपनी कार से गए, उनके साथ हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय कार पुलिंग करते हुए नजर आए। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल की कार का नंबर ऑड है और आज ऑड नंबर का आज दिन था, इस वजह से वही गाड़ियां निकलनी थी जिसमें ऑड नंबर हो। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने ऑड नंबर वाली कार से दिल्ली सेक्रेटरिएट पहुंचे और फॉर्मूले का नोटिफिकेशन जारी करने के दौरान केजरीवाल ने अपने मंत्रियों को वीवीआईपी छूट की लिस्ट से बाहर रखा। वाटर मिनिस्टर कपिल मिश्रा अपनी बाइक से दिल्ली सेक्रेटरिएट पहुंचे। इसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्टर इमरान हुसैन ऑटो से ऑफिस आए। आपको ये भी बता दें, इस तरह सोशल वेलफेयर मिनिस्टर संदीप कुमार बस से गए और आईएसबीटी से दिल्ली सचिवालय की उन्होंने बस पकड़ी। ऑड इवन का फॉर्मूला क्या है, इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से ऑड इवन नंबर की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर नजर आएंगी। तो 1 से 15 जनवरी तक लागू होने वाले इस फॉर्मूले के मुताबिक 0, 2, 4, 6 और 8 ये सभी नंबर की जो गाड़ियां हैं वो एक दिन चलेंगी, जबकि 1, 3, 5, 7 और 9 यानी कि ऑड नंबर से खत्म होने वाले नंबर वाली जितनी भी कारें हैं वो दूसरे दिन चलेंगी। सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से 8 बजे तक का ये फॉर्मूला लागू होगा। रविवार को सभी गाड़ियां सड़कों पर उतर सकेंगी। और किस तरीके से ये नियम लागू किया गया है ये भी आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 66 इन्फोर्समेंट टीमें हैं और सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की 27 टीमें इस दौरान तैनात की गई हैं। 57,000 सिविल डिफेंस पर्सनल्स हैं और इसके अलावा 1,000 एनसीसी कैडेट्स हैं। नेशनल सर्विस स्कीम के 1,000 वॉलंटियर्स सड़कों पर हैं। रोड पर किस तरीके की तैयारी की गई है इसका भी जायजा लिया गया, जिसमें 4700 डीटीसी बसें रोजाना 40,000 जो फेरे लगाती हैं, इन बसों को करीब 45 लाख लोग सफर करते हैं। 3,000 एक्स्ट्रा बसें अब नोएडा सेक्टर 63 और गुड़गांव के इफ्को चौक को दिल्ली से जोड़ रही हैं। मेट्रो का जो फेयर है उसे भी बढ़ा दिया गया है ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी 1282 कोच के साथ 216 ट्रेनें रोजाना
2800 फेरे लगाती हैं, इनमें से करीब 25 लाख लोग सफर करते हैं और ये ट्रेन 70 से ज्यादा फेरे लगाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल सबके लिए बहुत बहुत और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे दिल्ली से ऑफिसर्स की वो ये है कि और आप लोगों की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि दिल्ली के अंदर आज ऑड इवन काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है और इवन नंबर की बहुत ही कम गाड़ियां सड़क पे दिख रही हैं और कुछ एक गाड़ियों को जब ऑफिसर्स ने रोका भी तो वो या तो सीएनजी व्हीकल निकले या एग्जम्प्ट कैटेगरी के निकले। तो बाय एंड लार्ज दिल्ली के लोगों ने इसको बहुत खुले मन से और बहुत अच्छे से इसको अपनाया है पूरे एंटी पोल्यूशन ड्राइव को। जैसा मैं बार बार कहता था कि ये एक ऐसी चीज है जो कि डंडे से नहीं की जा सकती हासिल, ये केवल तभी हो सकता है जब लोग दिल से इसको अपनाएं और लोग इसको ये एक तरह से मूवमेंट बन जाए। तो अभी तक का एक्सपीरियंस ये दिखा रहा है कि दिल्ली के लोगों ने इसको अपना लिया है, ये मूवमेंट बन गया है और आई एम ट्रूली ओवरवेलम्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट वी हैव रिसीव्ड सो फार। दिल्ली के लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम करके दिखाया है और इसके सफलता के बेसिस पे मैं इस बात से कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली के लोग और बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके दिखाएंगे, दूसरी बुराइयों को भी हम सब मिलके दिल्ली के लोग निजात पाके दिखाएंगे एंड दिल्ली विल शो द वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तानी गायक अदनान सामी की, जिन्हें आज से भारत की नागरिकता दे दी गई है। हालांकि लंबे वक्त से इस बात की अर्जी लगाई हुई थी अदनान सामी ने, उन्होंने केंद्र से मानवीय आधार पर भारत में अपने दर्जे को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सामी शुक्रवार से भारतीय नागरिक हैं और आज की आखिरी तारीख ही 3 माह के वीजा के विस्तार पर है जो उन्हें मंत्रालय से 6 अक्टूबर तक के लिए दिया गया है। पिछले कुछ सालों से भारत को अपना दूसरा घर बताने वाले अदनान सामी केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रतिवेदन देकर के मानवीय आधार पर अपने ठहराव का अनुरोध कर रहे थे। लाहौर में उनका जन्म हुआ है और पर्यटक वीजा पर वो यहां पर आए हुए थे, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग ने 1 साल की वैधता के बाद उनका जो वीजा जारी किया था, वीजा बाद में समय समय पर बढ़ाया जाता रहा, लेकिन 2015 में जब ये वीजा समाप्त हो रहा था तो उसे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया और इसी के बाद अदनान सामी ने इसे कानूनी सम्मत बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था, जिस अनुरोध को भारत सरकार ने मान लिया और अदनान सामी को भारतीय नागरिकता दे दी गई है। कैसे कैसों को दिया है ऐसे मेरी अर्जी मान वाला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार नहीं तो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसों। और आप बात करते हैं उन किसानों के बच्चों की जिन्होंने फसल खराब होने की वजह से या किसी भी वजह से खुदकुशी कर ली। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट ने इस बात का फैसला किया है कि मौसम की मार की वजह से खुदकुशी कर लेने वाले किसानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब वो लोग वहन करने वाले हैं और इसके मुताबिक बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च वो उठाएंगे। कानून और न्यायिक विभाग ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया जिसके तहत सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट सूखे और बाढ़ से परेशान होकर के आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों के शिक्षा में आर्थिक मदद करेगा। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव पाटिल ने यह भी कहा है कि एक जीआर उन्हें मिला है जिसकी कॉपी उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट को दे दी है, जिसमें उसे किसानों और उन बच्चों को जानकारी देने के लिए कहा गया है जिसकी आने वाले वक्त में वो मदद करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर प्रशासन ने इन बच्चों के ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का खर्च वहन करने का फैसला किया है। पाटिल ने कहा कि एक कमिटी एक मानदंड बनाने पर काम कर रही है कि बच्चों की पढ़ाई पर जो खर्च जीआर जारी किया जाए उसे किस दिन से उठाया जाए।
इसके लिए मंदिर के ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपए तय भी किए हैं और इसकी योजना को सिद्धि विनायक स्कॉलरशिप स्कीम का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस मंदिर की जो सालाना आमदनी है वो 65 करोड़ रुपए है। मंदिर फिलहाल कई योजनाएं भी चला रहा है। पाटिल ने यह भी कहा है कि किसान की आत्महत्या राज्य में लंबे वक्त से चिंता का विषय रही है और किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करने पर विचार किया जाए, इस तरीके की योजना इसी की वजह से सामने आई है। इधर किसान कार्यकर्ता किशोर तिवारी ने इस मंदिर की तरफ से की गई इस बेहतरीन पहल इसे करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि लाखों किसान हैं जिनके बच्चे अभी भी पढ़ाई के लिए अपने खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं या किसान परिवार नहीं वहन कर सकता है इन खर्च को, इन किसानों की मदद भी ट्रस्ट की तरफ से की जाए, इसके लिए भी सोच अख्तियार की जा रही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सूखे के कारण 96 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। 1997 से लेकर अब तक लगभग 70,000 किसानों ने फसल बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या कर ली। और चलिए खबरों में आप रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर। चैनल वन हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल वन न्यूज अब डिश टीवी के डीटीएच पर भी उपलब्ध, तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज चैनल नंबर 567 पर। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। हाय, दिस इज ओआ मोरानी। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर। हाय, दिस इज पूनम जलन। हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर, आपकी खबर हमारी नजर। देखते रहिए लेमन न्यूज। लेमन न्यूज, लेमन न्यूज, लेमन न्यूज, लेमन न्यूज, लेमन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। संसद की कैंटीन में मिलने वाला खाना अब सांसदों को महंगा पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल कीमतें शुक्रवार से यानी कि आज से ही बढ़ा दी गई हैं। कैंटीन की सब्सिडी में कीमतों पर खाद्य सामग्री मिलने को लेकर के समय समय पर इस पर होता हुआ विवाद देख करके ये निर्णय लिया गया है और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। अब 18 रुपए में मिलने वाली शाकाहारी थाली की कीमत बढ़ा करके इसे 30 रुपए की जगह 33 रुपए 18 रुपए की जगह 30 रुपए कर दिया गया है, जबकि 33 रुपए में मिलने वाली नॉनवेज थाली का दाम बढ़ा करके इसे 60 रुपए कर दिया गया है। पहले 61 रुपए में मिलने वाला 3-course meal अब 90 रुपए में मिलेगा, जबकि 29 रुपए में मिलने वाली चिकन करी की कीमत अब 40 रुपए कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कीमतों में बदलाव और को लेकर के आदेश दिए थे। लोकसभा सचिवालय ने आज यहां ये भी कहा कि कीमतों में बदलाव 6 साल बाद हो रहा है और समय समय पर इन कीमतों की समीक्षा भी की जाएगी। खुले बाजार में बेहिसाब मूल्यों में वृद्धि हो रही है, बावजूद इसके संसद की कैंटीन में सब्सिडी में मिलने वाले इस खाने को लेकर के कई बार बहस हो चुकी है और इन सामग्रियों को लेकर के समय समय पर विवाद भी हुआ है, जिसे देखते हुए कीमतों में वृद्धि का
फैसला लिया गया। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में यह भी कहा कि संसद की कैंटीन में भोजन सामग्री की कीमतें समय समय पर मीडिया में चर्चा का विषय बनती रहती हैं। इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की खाद्य समिति को इस पर ध्यान देने के लिए कहा था, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। बयान के अनुसार समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कई फैसले लिए, जिनमें से एक फैसला सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद की कैंटीन अब गैर मुनाफा गैर नुकसान के आधार पर काम करेगी। इसमें यह भी कहा गया कि इसके अनुरूप अलग अलग भोजन सामग्रियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और इन्हें लागत की मूल्य कीमत पर बेचा जाएगा। ये कल से प्रभाव में आएगा। बयान के अनुसार कीमतों में वृद्धि सांसदों, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और इसके साथ साथ आगंतुकों के लिए भी की गई है। और अब बात करते हैं आम जनता की जेब पर पड़ी हल्की राहत की। जी हां, डीजल और पेट्रोल के दाम नए साल में कम हो गए हैं। गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 63 पैसे और डीजल की कीमतों में 1.60 रुपए की कमी आई थी, जिसके अलावा दिल्ली में सीएनजी 1.50 रुपए सस्ती हो गई है। आपको बता दें कि कल रात आधी रात पेट्रोल डीजल की घटी हुई कीमतें लागू हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के लगातार कम होती कीमतों की वजह से घरेलू बाजार में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद दिल्ली में इस बात को लेकर के लोगों में बेहद खुशी है कि डीजल और पेट्रोल के दाम घटे हैं। जबकि आपको ये बता दें कि 2015 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में अब तक ये कुल 1.98 रुपए की कटौती हुई है। वहीं कीमतें कम होने के बाद मुंबई में पेट्रोल की जो कीमत है वो 67.04 रुपए है, जबकि 66.40 रुपए पर अब डीजल मिलेगा। अब फिलहाल जो कीमत है, माफ कीजिएगा, वो 66.40 रुपए हो गई है पेट्रोल की, और डीजल का दाम 53.28 रुपए से घट करके अब 52.16 रुपए हो गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मार्शल आर्ट की दुनिया में तेजी से अपना नाम बना रही ऋचा गौड़ की बात करते हैं, जिनको आने वाले वक्त में राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित किया जाने वाला है। देश की बेटी, देश के गौरव के रूप में ऋचा अब उभर रही है। भारत में महिलाओं की स्थिति जिस तरह से बदतर होती जा रही है, उससे तो आप परिचित होंगे, लेकिन भारत की एक ये भी तस्वीर है कि आज की युवतियाँ, आज का जो यूथ है वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न है अपने टैलेंट को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं महिलाओं की, तो आज पूरा देश जानता है कि महिलाओं की क्या स्थिति है, लेकिन कुछ ऐसी उम्मीद की किरण भी हैं जिन्होंने ये महसूस कराया है समाज की, जब हम हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। और एक फिल्म भी आई थी, मैं हूं ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खिलाड़ी की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल आर्ट से जुड़ी हुई हैं और कोच का भी काम करती हैं, लोगों को सिखाने का भी काम करती हैं। हमारे साथ खुद हैं ऋचा गौड़, जो जयपुर की हैं। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाएं, और नया साल आप सबका लकी जाए, अच्छा रहे, यही मेरी दुआएं हैं और यही मेरा मैसेज आपके लिए है। अगर हम ऋचा महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत दुख होता है कि यहाँ पर कन्या, ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी जब होती है घर में तो माँ डर जाती है। आप एक समस्या को कैसे देखती हैं? लड़कियां हों, बच्चियां हों, महिलाएं हैं, इंडिया में सेफ नहीं है, चाहे वो घर हो, ट्यूशंस जाए, मार्केट में जाए, और कहीं भी माहौल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मेरी यही मिशन है, इसी मिशन पे मैं लगी हुई हूँ कि इंडिया की हर वुमेन को मजबूत बनाना है, ताकि वो सुरक्षित महसूस करे और सामने वाले को मुँह तोड़ जवाब दे सके। अगर हम इस देश की बात करें तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष तक जा पहुंची हैं। इस देश में इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा आपने, हमने प्रतिभाताई पाटिल को भी सुना जो राष्ट्रपति बनी। आज की तारीख में अगर महिलाओं की असुरक्षा की बात होती है तो क्या आपको लगता है कि हम सक्षम हैं, कि हमारी सोच बिल्कुल अक्षम हो गई है? महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, पर हाँ, जब से निर्भया केस हुआ है उसके बाद से लड़कियां काफ़ी सतर्क हो गई हैं, महिलाएं काफ़ी सतर्क हो गई हैं कि हमें अपनी बचाव के लिए सेफ्टी खुद करनी आनी चाहिए,
और यही इसी के लिए वो आगे कैंप्स अटेंड कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं जिसको कहते हैं आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करना। और कहीं ना कहीं ये समाज, ये मैसेज पूरे समाज में जा रहा है, लड़कियां आगे आ रही है और हर फील्ड से लड़कियां आगे आ रही है, हर गांव में हर फील्ड में टैलेंट है, लड़कियां कुछ भी कर सकती है, हर फील्ड में आगे निकल सकती है, बस कमी है तो उनको सपोर्ट करने की। तो लड़कियाँ आप सेल्फ डिफेंस सीख कर आगे आ रही हैं, अपने आप को फील स्ट्रांग फील कर रही है और टेक्निक सीख रही है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है उसी वजह से, ताकि वो जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे तो बेझिझक होके निश्चिंत होके आगे बढ़े। बिल्कुल ऋचा, अभी आपको मुंबई ग्लोबल अवार्ड मिला, आने वाले दिनों में राष्ट्रपति साहब आपको सम्मानित करने वाले हैं, उस बारे में जानना चाहेंगे कि क्या खास क्यों? मैं मार्शल आर्ट फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, जब मैं 6 साल की थी तब से मैं मार्शल आर्ट कर रही हूँ, 15 साल हो गए आज, और इसी फील्ड में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज लिया है, एशियन चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल है भारत के लिए, और मैं आगे होने वाली एशियन चैम्पियनशिप के लिए टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। इसी के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट में सेल्फ डिफेंस को हर क्षेत्र में, राजस्थान पुलिस में, एनसीसी कैडेट्स में, कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ ताकि वुमेन्स जो है सेफ फील कर सके और अपने आप को किसी से कम ना समझे। और इसी के लिए हम लोग आगे प्लानिंग कर रहे हैं और आगे कैंप्स लगा रहे हैं हर जगह जाके, हमारी पूरी टीम है जो हर क्षेत्र में जाके ट्रेनिंग दे रही है वुमेन्स को, किड्स को, लड़कों को। और यही मेरा काम देखते हुए मेनका गांधी जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से उन्होंने इंडिया के टॉप 100 वुमेन्स को सेलेक्ट करा है और उसमें मेरा प्रोफाइल भी गया है राजस्थान से, मेरा काम भी वहाँ गया है कि मैं खेल भी रही हूँ और वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। और 22 जनवरी को मुझे वो सम्मानित करेंगे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमें सम्मानित करेंगे और हमारी बात भी सुनेंगे। अंत में आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में, आज की तारीख में जिन लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है, जिनका शोषण होता है, उनको किस तरह से अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? मैं सभी भारतीय वुमेन्स को, लड़कियों को, बच्चियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ना डरे, अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए आगे आएं और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, अपनी खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी है उस ट्रेनिंग के लिए आगे आएं, टाइम निकालें, ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करें। आप सुरक्षित रहोगे तो आप समाज में, आपकी फैमिली में, आप खुद सीखें, आगे फैमिली में भी आगे सिखाएं, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां लड़कों के बराबर ही कंधे से कंधे मिला के चल सकती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, कोई भी फील्ड हो। तो अपने आप को स्ट्रांग फील महसूस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप आएगा। और मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सेल्फ डिफेंस सीखें ताकि आप अपने घर परिवार में सबकी सुरक्षा कर सकें और खुद की रक्षा भी कर सकें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप भारत का नाम इसी तरह रोशन करते रहें। तो निश्चित रूप से अगर हम बेटियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवतियों की बात करते हैं, तो आपको जिस तरह से ऋचा ने कहा कि अगर आप अपनी समझ को विकसित करेंगे और सेल्फ डिफेंस की बात समझेंगे तो आपके साथ दुनिया का कोई भी शख्स आँख उठाकर आपको नहीं देखेगा, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है उसी शक्ति के बारे में कहा गया है, नारी तू नारायणी। तो कुल मिलाकर अपनी रक्षा कीजिए ताकि ये समाज और ये देश आप पर ऋचा की तरह गर्व कर सके। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनींद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देश के जाने माने साइंटिस्ट मुनीर खान ने देशवासियों को नए साल के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहा है, उस पर सुनते हैं। मैं साइंटिस्ट मुनीर खान सारे देशवासियों को निरोगी काया के लिए प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि सबको निरोगी रखे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, थैंक यू। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कुछ और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।